पेड़ गिरने से 2 घंटे रहा चक्का जाम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं निकालकर प्रदेश की जनता को सुविधा देने का काम कर रही है, किंतु कुछ शासन के अधिकारी एवं ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते एस्टीमेट के आधार पर काम नहीं किया जा रहा है। जैसा कि वर्ष 2014 में बालाघाट से बैहर की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए दिलीप बिल्डकॉन नामक ठेकेदार जो भोपाल निवासी है, इनके द्वारा लगभग 67 किलोमीटर की डामरीकरण सड़क को चौड़ीकरण करने का ठेका दिया गया था। ठेकेदार के द्वारा सड़क को चौड़ीकरण तो कर दिया गया, किंतु सड़क किनारे लगे हुए पेड़ जो कि कमजोर हो चुके हैं। वर्ष 2014 से लगातार बरसात के दिनों में सड़क के किनारे के पेड़ गिर जाते हैं, जिससे कि आवागमन बाधित हो जाता है। अनेकों बार शासन प्रशासन को इस विषय में अवगत कराया गया, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। हम जो यहाँ पर खड़े हैं, यह रोड बालाघाट से बैहर की ओर जाती है। 2014 में दिलीप बिल्डकॉन ठेकेदार के द्वारा इस रोड का चौड़ीकरण किया गया था और रोड के किनारे जो पेड़ जो थे वह पेड़ को काटा नहीं गया। उन पेड़ के किनारे की आजू बाजू की मिट्टी निकालकर जड़ें कमजोर कर दी गई और ऐसा ही प्रतिवर्ष होते रहता है कि बरसात के समय में पानी के कारण पेड़ रोड़ों के ऊपर गिर जाते हैं, पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी अभी तक। जैसा कि आज देख रहे हैं, यह जो पेड़ है यह भी पेड़ कल रात्रि में गिरा है, जिससे आवागमन बाधित हो चुका था, पर किंतु राहगीरों के द्वारा बारीक बारीक नंगाल काटकर किनारे से रोड बना दी गई है। शासन इस रोड के किनारे के जितने भी पेड़ है इसे कटवा दे तो आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं घट सकती, और नहीं तो आए दिन घटना घटने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? महतलाल तूफान। क्या करते हो? डिडोली डी में काम। जोर के आवाज है, जोर के बोलो थोड़ा सा। डिडोली डी में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पेड़ कब गिरा है? ये पेड़ कल गिरा शाम के टाइम। अच्छा, कोई घटना घटी है क्या? नहीं नहीं घटी। नहीं। ये कौन सी रोड है? ये बालाघाट भैया। अच्छा, ये क्यों गिरा पेड़? ये जो दरनी किनारे में पेड़ था, जो ठेकेदार रोड बनाया था उसके किनारे में पेड़ था। अच्छा, तो क्यों गिरा ये? ये हवा तूफान से गिरा। अच्छा, तो ये बाकी पेड़ क्यों नहीं गिरा हवा तूफान से? क्योंकि दरली किनारे था ना जी। मतलब? मैंने कटिन किनारे में था। ठेकेदार ने मिट्टी काट लिया था? हाँ, ठेकेदार ने जो कटिन काटा था मिट्टी का, हाँ, उसके साइड में खड़ा था। अच्छा, हवा तूफान। मतलब जड़ें इसकी मजबूत नहीं थी? हाँ, जड़ मजबूत नहीं थी, जड़ ढीली थी। कौन ठेकेदार था कुछ मालूम आपको? नहीं नहीं, ठेकेदार का कुछ तो मालूम नहीं। अच्छा, चलो ठीक।